दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क एनालिसिस से नेटवर्क फंक्शन या सिंथेसिस ऑफ पेस्यू नेटवर्क पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया हुआ है जो कि इस प्रकार से है फाइंड द आर सी रिप्रेजेंटेशन बाई फोस्टर सेकेंड ऑफ द इम्पिडेंस फंक्शन जेड ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस वन एस प्लस फोर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस फाइव तो हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे दिए हुए इम्पिडेंस फंक्शन जेड ऑफ एस का यूज करके फोस्टर सेकेंड फॉर्म के आर सी रिप्रेजेंटेशन या सिंथेसिस या रियलाइजेशन को करना होगा तो आइए आगे देखते हैं कि हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाए सिंथेसिस ऑफ पेस्यू नेटवर्क उस पर मैंने फोस्टर सेकेंड फॉर्म के आरसी रिप्रेजेंटेशन या सिंथेसिस या रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है तो पहले आप लोग उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें उसके बाद इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करेंगे या समझेंगे तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फोस्टर सेकेंड फॉर्म किसके लिए होता है एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए लेकिन हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे इम्पिडेंस फंक्शन जेड ऑफ एस दिया हुआ है तो अब हम लोग यहाँ पर आगे इस इम्पिडेंस फंक्शन जेड ऑफ एस को एडमिटेंस फंक्शन वाई ऑफ एस के फॉर्म पे लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे एडमिटेंस फंक्शन वाई ऑफ एस इज इक्वल टू एस इन टू एस प्लस टू इन टू एस प्लस फाइव डिवाइडेड बाई प्लस वन एस प्लस फोर अब हम लोग यहाँ पर आगे फोस्टर सेकेंड फॉर्म के आरसी नेटवर्क के सिंथेसिस या रियलाइजेशन पर अगर कोई हम लोगों को एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s दिया हो तो अब हम लोग उसके स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन को देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इस दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के पार्शियल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे y ऑफ s इज इक्वल टू बी जीरो प्लस समेसन आई इज इक्वल टू वन टू एन बी आई एस अपॉन एस प्लस सिग्मा आई प्लस बी इन्फिनिटी इनटू एस अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रिक्शन एक्सप्रेशन के कौन कौन से टर्म को इस दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए लेना होगा तो उसके लिए अब हम लोगों को इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s को केयरफुली एनालिसिस करना होगा अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जब हम लोग इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के पार्शियल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो इस स्टैंडर्ड पार्सल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म बी जीरो को लेना होगा कि नहीं तो उसके लिए अब हम लोगों को इस दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिग्री को कैलकुलेट करना होगा तो जब हम लोग इस दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के न्यूमरेटर के डिग्री को कैलकुलेट करेंगे तो न्यूमरेटर का डिग्री हम लोगों को कितना मिलेगा थ्री जिसको हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया है तो जब हम लोग इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के न्यूमरेटर पर दिए हुए s के लीनियर इक्वेशन वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को s का हाईएस्ट पावर कितना मिलेगा थ्री जो कि न्यूमरेटर का डिग्री होगा अब हम लोग यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के डिनोमिनेटर की डिग्री को कैलकुलेट करेंगे तो डिनोमिनेटर का डिग्री हम लोगों को कितना मिलेगा टू तो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ग्रेटर देन हो तो हम लोगों को इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट टर्म बी जीरो को जब हम लोग इस एडमिटेंस फंक्शन y of s के फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो इस फर्स्ट टर्म को नहीं लेना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि जब हम लोग इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के पार्शियल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लास्ट टर्म बी इन्फिनिटी इंटू एस को लेना होगा कि नहीं तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी इस एडमिटेंस फंक्शन वाई ऑफ एस के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिग्री को कैलकुलेट किया है तो यहाँ पर हम लोगों को न्यूमरेटर का डिग्री कितना मिला हुआ है थ्री और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना मिला हुआ है टू तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ग्रेटर देन हो तो हम लोगों को दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन Y ऑफ s के पार्शियल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के लास्ट टर्म b इन्फिनिटी इन एस को लेना होगा अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के अकॉर्डिंग हम लोगों को इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रिक्शन के इंटरमीडिएट टर्म पर जो समेसन i इज इक्वल टू वन टू एन पर i के वैल्यू को कहाँ तक लेना होगा तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के डिनोमिनेटर पर हम लोगों को s के लीनियर इक्वेशन वाले दो टर्म दिए हुए हैं जिस कारण से इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के इंटरमीडिएट टर्म पर समेशन i इज इक्वल टू वन टू एन पर i के वैल्यू को टू तक लेना होगा और जब हम लोग इस इंटरमीडिएट टर्म पर i के वैल्यू को वन पुट करेंगे तो पहले टर्म के डिनोमिनेटर पर हम लोगों को कितना मिलेगा एस प्लस सिग्मा वन और एस प्लस सिग्मा वन का कंपेरिजन जब हम लोग एस प्लस वन के साथ करेंगे तो सिग्मा वन का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा वन और ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग इस इंटरमीडिएट टर्म पर आई के वैल्यू को टू पुट करेंगे तो दूसरे टर्म के डिनोमिनेटर पर कितना मिलेगा एस प्लस सिग्मा टू और एस प्लस सिग्मा टू का कंपेरिजन हम लोग एस प्लस फोर के साथ करेंगे तो हम लोगों को सिग्मा टू का वैल्यू कितना मिलेगा फोर मिलेगा और हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो हम लोगों ने इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए i के वैल्यू को कैलकुलेट किया है उससे हम लोग यह भी डिसाइड कर पाएंगे कि इस एडमिटेंस फंक्शन वाई ऑफ एस के फोस्टर सेकेंड फॉर्म के आर सी नेटवर्क को ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को आर सी नेटवर्क पर रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के दो पैरेलल सर्किट को ड्रॉ करना होगा अब हम लोग यहाँ पर आगे इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के पार्शियल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के न्यूमरेटर का डिग्री कितना है थ्री और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है टू तो यहाँ पर हम लोगों को पार्शियल फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए दोनों साइड पर क्या करना होगा एस का डिवाइड करना होगा अब हम लोग आगे इस साइड को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहां पर हम लोग लिख पाएंगे y ऑफ s डिवाइडेड बाई s इज इक्वल टू s प्लस टू इंटू एस प्लस फाइव डिवाइडेड बाई s प्लस वन इंटू एस फोर अब हम लोग यहाँ पर आगे इस साइड के पार्शियल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए अब हम लोगों को यहाँ पर रेसिड्यूस मेथड को अप्लाई करना होगा क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर दिए हुए एस के लीनियर इक्वेशन वाले टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर s का हाइस्ट पावर कितना मिलेगा टू तो अब हम लोग यहाँ पर रेसिड्यूस मेथड को अप्लाई करने के लिए दिए हुए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर s के लीनियर इक्वेशन वाले टर्म को सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे न्यूमरेटर पर एस स्क्वायर प्लस सेवन एस प्लस टेन और डिनोमिनेटर पर हम लोग लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस फोर अब हम लोग यहाँ पर आगे रेसिड्यूस को कैलकुलेट करेंगे तो रेसिड्यूस को कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर पर दिए हुए एस के इक्वेशन से न्यूमरेटर पर दिए हुए एस के इक्वेशन को डिवाइड करना होगा तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस फोर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस सेवन एस प्लस टेन और जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड करना होगा वन टाइम्स डिवाइड करना होगा और हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस फोर और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को माइनस करना होगा और कितना मिलेगा टू एस प्लस सिक्स अब हम लोग यहाँ पर आगे इस वाई एस अपॉन एस को सिंप्लीफाई करके किस प्रकार से लिख पाएंगे तो लिखेंगे और डिवाइड पर हम लोगों को लिखना होगा एस स्क्वाइव एस प्लस फोर जिसको हम लोगों ने किसको सॉल्व करके फाइंड आउट किया हुआ है एस प्लस वन इंटू एस प्लस फोर तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिवाइड पर एस प्लस वन इंटू एस प्लस फोर अब हम लोग यहां पर आगे इस साइड के पार्शियल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हम लोग लिख पाएंगे वन प्लस बी वन अपॉन एस प्लस वन प्लस बी टू अपॉन एस प्लस फोर तो अब हम लोग यहाँ पर आगे b1 वन और b2 टू के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को b1 वन के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस साइड पर s प्लस वन को छोड़कर सभी s के जगह क्या पुट करना होगा माइनस वन पुट करना होगा तो अब हम लोग यहाँ पर एस प्लस वन को छोड़कर सभी एस के जगह क्या पुट करेंगे माइनस वन तो हम लोगों को न्यूमरेटर पर कितना मिलेगा जब हम लोग इस एस के जगह माइनस वन पुट करेंगे तो मिलेगा फोर और डिनोमिनेटर पर जब हम लोग इस एस प्लस वन को छोड़कर इस एस के जगह माइनस वन पुट करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा थ्री तो यहाँ पर हम लोगों को बी वन का वैल्यू कितना मिला फोर बाई थ्री अब हम लोग यहाँ पर आगे ठीक इसी प्रकार से बी टू के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो बी टू के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को कितना पुट करना होगा एस इज इक्वल टू माइनस फोर तो अब हम लोग इस साइड पर s प्लस फोर को छोड़कर सभी s के जगह क्या पुट करेंगे माइनस फोर पुट करेंगे तो न्यूमरेटर पर, तो पर हम लोगों को कितना मिलेगा माइनस टू और जब हम लोग डिनोमिनेटर पर s प्लस फोर को छोड़कर s के जगह कितना पुट करेंगे माइनस फोर तो हम लोगों को कितना मिलेगा माइनस थ्री और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बी टू का वैल्यू कितना मिलेगा टू बाई थ्री तो अब हम लोग यहाँ पर आगे इस पार्सियल फ्रैक्शन पर बी वन और बी टू के वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे वाई ऑफ एस अपॉन एस इज इक्वल टू वन प्लस फोर बाई थ्री डिवाइडेड बाय एस प्लस वन प्लस टू बाई थ्री एस प्लस फोर अब हम लोग यहाँ पर आगे वाई ऑफ एस अपॉन एस से डिनोमिनेटर के एस को हटाने के लिए दोनों साइड पर एस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे y ऑफ s इज इक्वल टू एस प्लस फोर बाई थ्री इंटू एस डिवाइडेड बाई एस प्लस वन प्लस टू बाई थ्री इंटू एस डिवाइडेड बाई एस प्लस फोर अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आरसी नेटवर्क के फोस्टर सेकेंड फॉर्म पर ड्रॉ होने वाले लास्ट सर्किट एलिमेंट सी इन्फिनिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए अब हम लोगों को इस पार्शियल फ्रैक्शन के एस वाले टर्म के वैल्यू का यूज़ करके बी इनफिनिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पर हम लोग इस एस वाले टर्म का कम्पेरिजन किससे करेंगे बी इन्फिनीटी इंटू एस से तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि दोनों साइड का एस क्या हो जाएगा कैंसल और हम लोगों को यहाँ पर बी इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होगा वन और बी इन्फिनिटी का वैल्यू इक्वल में होता है सी इन्फिनीटी के तो हम लोगों को सी इन्फिनिटी का वैल्यू कितना मिलेगा वन और यूनिट हो जाएगा फैराड अब हम लोग यहाँ पर आगे आर सी नेटवर्क के फोस्टर सेकेंड फॉर्म पर ड्रा होने वाले इंटरमीडिएट सर्किट पर रेजिस्टेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस आर वन के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और आर वन इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग कितना लिख पाएंगे वन अपॉन बी वन और बी वन का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया हुआ है फोर बाई थ्री तो अब हम लोगों को यहाँ पर से आर वन का वैल्यू कितना मिलेगा थ्री बाई फोर और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम अब हम लोग आगे ठीक इसी प्रकार से रेजिस्टेंस आर टू के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे आर टू इज इक्वल टू वन अपॉन बी टू और हम लोगों ने बी टू के वैल्यू को कितना कैलकुलेट किया है टू बाई थ्री तो हम लोगों को रेजिस्टेंस आर टू का वैल्यू कितना मिलेगा थ्री बाई टू और यूनिट हो जाएगा ओम अब हम लोग यहाँ पर आगे आर सी नेटवर्क के और सेकेंड फॉर्म पर ड्रा होने वाले इंटरमीडिएट सर्किट पर कैपेसिटेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिख पाएंगे C1 वन इज इक्वल टू बी वन अपॉन सिगमा वन और हम लोगों को B1 का वैल्यू कितना मिला हुआ है फोर बाई थ्री और सिग्मा वन का वैल्यू हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे दिया हुआ है जो कि कितना है वन तो हम लोगों को सी वन का वैल्यू कितना मिलेगा फोर बाई थ्री और इसका यूनिट क्या हो जाएगा फैराड अब हम लोग यहाँ पर आगे ठीक इसी प्रकार से कैपेसिटेंस C2 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला कितना लिख पाएंगे B2 टू अपॉन सिगमा टू और B2 का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है 2 बाई थ्री और सिग्मा टू का वैल्यू हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे कितना दिया हुआ है फोर और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा वन बाई सिक्स और इसका यूनिट क्या हो जाएगा फैराड अब हम लोग यहाँ पर आगे आर नेटवर्क के फोस्टर सेकेंड फॉर्म पर ड्रॉ होने वाले सर्किट डायग्राम को सी इन्फिनिटी आर वन आर टू सी वन और सी टू के वैल्यू का यूज़ करके ड्रॉ कर लेंगे अब हम लोगों को इस सर्किट पर पुट करना होगा यहाँ पर आर वन के वैल्यू को यहाँ पर आर टू के वैल्यू को यहाँ पर सी वन के वैल्यू को यहाँ पर सी टू के वैल्यू को और यहाँ पर सी इन्फिनीटी के वैल्यू को तो इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ जिस पर हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई हम लोगों को इंपिडेंस फंक्शन जेड ऑफ एस दिया हो तो उसका किस प्रकार से यूज करके फोस्टर सेकेंड फॉर्म पर आरसी नेटवर्क का सिंथेसिस या रियलाइजेशन करना होगा तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू ऑल द बेस्ट